So hey guys, welcome to channel. So आज हम खेल रहे हैं Lokicraft part 2. बहुत दिन हो गए खेले हुए. And happy Holi guys. इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना and सब्सक्राइब भी कर देना. तो चलिए देखते हैं. मैं आपको आज दिखाऊंगी मॉडर्न हाउस कलेक्शन. चलो आपको मैं ऊपर से दिखाती हूँ. मैं सोच रही थी इस वर्ल्ड को मैं एक सिटी बना दूंगी. बहुत सारे घर बनाना बाकी हैं यहाँ पे. देखो मैंने एक पहले तो ये फर्स्ट हाउस इम्पोस्टर का, फिर ये वाटर हाउस, फिर ये ऐसी मॉडर्न हाउस एंड ये भी मॉडर्न हाउस. ये है ट्री हाउस की तरह ही बोल लीजिए. ये भी मॉडर्न हाउस, ये भी मॉडर्न हाउस में फार्म वगैरह सब कुछ है. इसमें स्विमिंग पूल भी है, इसमें भी स्विमिंग पूल है. एंड आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. स्विमिंग पूल में हम इसमें ऐसे जाके कूद सकते हैं. तो चलिए मैं सब घर के तो नहीं दिखा सकती, फर्स्ट तो मैं इस घर का ही दिखा देती हूँ. घर में क्या क्या चीज़ है मैंने ये सब देख ऑनलाइन से देखा है. मैंने खुद से तो कुछ नहीं बनाया है, पर डिज़ाइंस मैंने खुद से बनाया है. ऑनलाइन में दिखा था, मतलब मैंने अगर ये घर देखा है ऑनलाइन पे. इस लेडर की वगैरह सीढ़ी था, सीढ़ी बनाने के लिए जगह नहीं था. ये लेडर दे दिया ताकि ज़्यादा हाउस फुल भी ना दिखे, ताकि लोग आ जा सके. इसमें गैप है, गैप से डिज़ाइन के लिए रखा है, पर वहाँ पर गैप नहीं था. ओके, अरे मैंने ये क्या रख दिया. एंड चलो ये घर भी आपको दिखा देते हैं. ये सेकंड नंबर हाउस, इसमें कुछ नहीं है, बस सीढ़ी है, ऊपर जा सकते हैं. एंड बस बालकनी, मतलब इसमें इतना खास कुछ भी नहीं है, बस सीढ़ी है. एंड मतलब टावर बोल दो, ये टावर है. एंड इसमें स्विमिंग पूल भी है. एंड चलो ये घर दिखाते हैं. ये घर थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझको भी. ये है फार्म, सारे उग गए. एंड ये रहा हाउस. यहाँ से हम नज़र रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है. ये चेस्ट एंड बेड. एंड यहाँ पे स्टोरेज एरिया था. अरे यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने. एंड ये है बेड, क्लॉक. क्लॉक तो मैं सब में रखा है. मैंने क्लॉक इसलिए रखा है ताकि लगे कि ये है अलार्म क्लॉक है. चलो नेक्स्ट हाउस दिखाते हैं. हाउस पे इतना मैंने कुछ खास सी चीज़ तो नहीं रखी है मैंने, पर बाहर से दिखने में इतना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है बहुत. एंड मैंने बाहर वॉल्स पे भी पेंटिंग लगा क्या गल कहीं की. ये है मेरा बोलो ये मेरा झूलना है. हाँ झूलना बोल लो आप, इस पर झूल सकते हैं. एंड ये आर्मर वगैरह, यहाँ पे स्टोरेज एरिया, मतलब जगह ही नहीं है. और देखो पूरा भर गया, बहुत कम स्टोरेज एरिया का था. ये यहाँ पे सेकंड फ्लोर भी है, मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड फ्लोर. सेकंड फ्लोर घर के बाहर है, अजीब है ना, घर के बाहर. एंड ये है टेरेस, मैं टेरेस दिखा देती हूँ फिर मैं दिखाऊंगी. इससे फूल वगैरह रखा है, आप यहाँ पे रोज आके पानी दे सकते हो फूलों पे. एंड चलो हम नीचे चलते हैं, कूद के चल जाते हैं. ऐसे भी क्रिएटिव में कुछ नहीं होता. ये मैंने टेरा कोटा लगा दिया है यहाँ पे. एंड ये बेड है एंड लैम्प एंड ये डायमंड. यहाँ पे नेडराइट की चीज़ें नहीं हैं क्योंकि ये पुराना वाला माइनक्राफ्ट इतना था पता नहीं ये. एंड मैं चलो आपको मैं ये बाद में दिखाऊंगी, ये इम्पोस्टर वाला. ये वाटर हाउस दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, ये सबसे अच्छा लगता है.
इतना सुंदर है कि दिखने में ये वाटर हाउस। एंड यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे ये टेबल है एंड बैठ सकते हैं एंड बेड भी है, मतलब गेस्ट रूम की तरह ही गेस्ट रूम। एंड चलो अब मैं दिखाऊंगी आपको ये। ऐसे यहाँ से तो नहीं मतलब यहाँ से तो नहीं जाते, यहाँ से ही जाते हैं, पर मैंने आपको दिखाया है ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। चलो अरे अंदर चलो, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, इतना खास नहीं है। ये इम्पोस्टर का जो क्या बोलते हैं पता नहीं। एंड यहाँ से हम व्यू ले सकते हैं, बेड है, पेंटिंग है, चेस ने कहाँ चेस लगाया, मतलब ऊपर लगाया मैंने सोच समझ के, नीचे तो जगह ही नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रखना चाहिए था डोर, यहाँ डोर नहीं रख सकते, अगर यहाँ डोर रखते तो मतलब बहुत नीचे हो जाता और दिखने में अच्छा नहीं पेट के अंदर। सो अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये तो ये वाला घर सबसे बड़ा है, ये वाइट कंक्रीट का देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ा है। मैं आपको ये वाला घर दिखा देती हूँ, ब्लैक वाला, इसका एंट्रेंस कहाँ है, ये रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये रहा, यहाँ पे चेस्ट रखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रखा। ये ऊपर जाना का, ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ पे पेंटिंग्स, यहाँ पे बेड लगाना बाकी है, ये मतलब डेकोरेशन में हुआ नहीं है और बहुत डेकोरेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड चलो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं और नहीं दिखा सकती। एंड ये भी लास्ट दिखा देती, अरे शिट मैंने